हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपके लिए इजी एंड टेस्टी हलवे की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसका नाम है आलू का हलवा। इस हलवे को ज़्यादातर लोग व्रत में खाना पसंद करते हैं, क्योंकि यह बनाने में बहुत ही आसान होता है और खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो चलिए इस हलवे को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस रेसिपी के हम इंग्रेडिएंट्स जान लेते हैं। 4 मीडियम साइज़ के बॉयल आलू लिए हैं मैंने। ड्राई फ्रूट्स, आप अपनी पसंद का ड्राई फ्रूट्स ले लीजिएगा, क्योंकि ये व्रत में बहुत एनर्जी देता है। शुगर लेंगे आधा कप। एक छोटा चम्मच इलायची पाउडर लेंगे और 2 चम्मच देसी घी लेंगे। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए गैस ऑन करते हैं। कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है, अब इसमें हम घी डालेंगे। बॉयल्ड आलू लिए थे मैंने, ये कद्दूकस कर लिया है, अब इन्हें हम घी में फ्राई कर लेंगे अच्छे से, जब तक कि हमारा गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। अच्छे से इसको मिला लेंगे। दोस्तों इसको हम तब तक पकाएंगे जब तक कि आलू से हमारा घी अलग ना हो जाए, आलू जो हमारा घी अलग छोड़ ना दे, तब तक हम इसको अच्छे से पकाएंगे। दोस्तों आप चाहें तो नॉर्मल कढ़ाई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल कढ़ाई में क्या होगा, आपको घी थोड़ा ज़्यादा डालना पड़ेगा, इसलिए मैंने नॉनस्टिक कढ़ाई यूज़ की है, इसमें थोड़ा सा घी कम लगेगा। इसे हम 5 से 10 मिनट तक का भूनेंगे। अभी हमारा हल्का ब्राउन हुआ है, अभी इसको पकने में टाइम लगेगा। आलू हमारा अच्छी तरह से भुन गया है, अब इसमें हम शुगर ऐड करेंगे, इसको मिला लेंगे। शुगर को हमने अच्छे से मिला लिया है, शुगर हमारी मेल्ट हो चुकी है, अब इसमें हम ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। मिला ले इसको अच्छी तरह से। इलायची पाउडर डालेंगे। तो दोस्तों आलू का हलवा हमारा तैयार है, देखने में तो बड़ा ही डिलीशियस दिख रहा है। तो चलिए इसको सर्व करते हैं। तो दोस्तों इजी एंड टेस्टी जल्दी से बनने वाला हमारा आलू का हलवा तैयार है। अगर आपको मेरी यह रेसिपी अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और कमेंट करके मुझे बताइएगा मेरी यह रेसिपी कैसी लगी। तो दोस्तों मिलते हैं हम अपनी नवरात्रि स्पेशल की अगली रेसिपी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।